डायलॉग तो अब पाकिस्तान के अवाम के साथ होगा और हो रहा है और इतना अच्छा डायलॉग हो रहा है कि जो भी फोर्सेस हैं जो भी जाली हुकूमत है, है ये सब घबराए हुए हैं और इतना घबराए हुए हैं कि इनको समझ नहीं आ रही कि कैसे रिस्पॉन्ड करें और उस घबराहट में वो इस किस्म के ब्लंडर्स कर रहे हैं कि अकल हैरान हो जाती है तो अ, मेरा डायलॉग जो है अब पाकिस्तान के आवाम के साथ हो लेकिन ये तमाम स्टेक होल्डर्स भी तो हैं तो आग, आगे बात कैसे बढ़ेगी अगर आप स्टेक, स्टेक होल्डर्स के साथ नहीं सबसे बड़े आवाम है जो आवाम कहेगी लोगों को वो करना पड़ेगा आपको क्या लगता है आपकी सारी इस सारे बयान का अंजाम क्या होगा इस सारे बयानी का इनशा अंजाम जो आप देख रही हैं वो होगा कि मुल्क के एक कोने से दूसरे कोने तक हक और सच की आवाज़ आएगी आइन और कानून की आवाज़ आएगी और इस मुल्क में इंशाला आइन की हुक्मरानी होगी आप हुकूमत के खात्मे की बात करती हैं तो हुकूमत का खात्मा कैसे करेंगी कोई आईनी तरीका गैर आईनी, तरीका, वो तो आईनी तरीका तो नहीं हो सकता आ, क्या आप करेंगी? देखें जो हुकूमत जिस तरह चल रही है ये हुकूमत चल ही नहीं सकती उस तरह किस तरह चलेगी इकोनॉमी का हाल देख लें आप किसी भी शोबे को उठा के देख लें इकोनॉमी का देख लें गवर्नेंस देख लें फॉरन पॉलिसी देख लें लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन देख लें हर हर तरह से ये गवर्नमेंट एक एबसलूट और कंप्लीट फेलियर की कीमत भी कुछ मुस्तकम हो रही है पिछले कुछ दिनों में हमने ट्रेंड देखा सोने की कीमत भी कम आई है अगर माशी की जाती है। वो होती है कि जब पाँच साल नाइन्टीन पे डॉलर रहे अगर माशी सूरत हाल बेहतर होती है मरियम तो आपको क्या लगता है कि लोगों को आप गवर्नेंस के इशू पे कन्विंस कर पाएंगे की वो बाहर माशी सूरत इन नालायकों के हाथों तो बेहतर नहीं हो सकती और अगर बेहतर बेहतरी की कोई भी गुंजाइश होती तो ढाई साल में ये हाल ना हो जाता न? आपको माइनस इमरान खान मौजूदा हुकूमत कबूल होगी या आप उनसे बातचीत के लिए तैयार होंगी ये ये देखा जाएगा ये देखा जाएगा लेकिन मैं ये समझती हूँ कि ये हुकूमत पूरी की पूरी जाली हुकूमत है ये सिलेक्टेड हुकूमत है इसके साथ बात करना गुनाह है इमरान खान हो या उसकी पार्टी में से कोई दूसरा शख्स हो वो देखा जाएगा मैं अभी इसके ऊपर कोई आ, कोई हतमी बात नहीं कर सकती अगर मुल्क को बहरान से निकालने के लिए आपको फौज के साथ बैठना पड़े तो आप बैठेंगी इस मुल्क को बहरान से निकालने के लिए मैं ये समझती हूँ कि इस हकूमत को पहले घर जाना होगा इमरान खान को. को घर जाना होगा इमरान खान को याकूमत को इमरान खान और हुकूमत को घर जाना होगा इस मुल्क को बुरान से निकालने के लिए अगर कोई तरीका है वो एक ही है कि ये जाली हुकूमत अपने घर जाए और फ्री एंड फेयर इलेक्शन हों और अवाम की नुमाइंदा हुकूमत आए कैसे घर जाए मैं यही पूछना चाह रही हूँ एजुटेशन तो, है या नहीं देखें आप ये है? देखें कि ये हुकूमत चल ही नहीं सकती अब ये नहीं चल सकती क्योंकि अवाम रो रही है बिलक रही है रोटी के लिए तरस रही है और रोज महंगाई हो रही है हर जगह पे आप फेलियर हैं फेलियर पूरी दुनिया में आपने पाकिस्तान का तमाशा बना के रख दिया और आज लोग कह रहे हैं तो ये प्रेशर क्यों आ रहा है ये प्रेशर इसलिए आ रहा है कि ये अवाम का प्रेशर आ रहा है और उसको सिलेक्टर्स को रिस्पॉन्ड करना पड़ रहा है लेकिन लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा लाइन ऑफ एक्शन तो देखा जाएगा अभी पीडीएम पे बैठ के हम बात करेंगे आपके फादर भी ट्रूथ एंड रिकनसीन कमीशन की बात करते हैं तो वो उसको भी पूरा करने के लिए आखिर आपको स्टेक होल्डर्स के साथ बैठना तो पड़ेगा तो ये जो सियासी तरीके है उसके लिए पहले इस जाली हुकूमत को घर जाना होगा और अगेन तो वो आपको क्या लगता है किस तरह घर जाएगी उसका कोई भी तरीका हो सकता है लोग इनको रहने नहीं देंगे आप देख रहे हैं कि जलसों में किस तरह लोग आ रहे हैं इस जो पीडीएम की अवामी मूवमेंट है इसको लोग किस तरह रिस्पॉन्ड कर रहे हैं तो वो पी के अंदर और जो हमारे जो पी के जो कायदीन है उनका जो नरेटिव है चाहे वो मियाँ साहब हो या वो कोई और हो वो उसके अंदर अपनी रिलीफ देख रहे हैं और इन शाह ते स्वामी सैलाब के आगे ये खड़े नहीं हो सकते और इनको घर जाना पड़ेगा तरीका कोई भी हो कल हो परसों हो एक महीने बाद हो, इनको घर जाना पड़ेगा इन आपको लगता है बिलावल आपकी हेल्प कर सकते उसमें हैं जो... बहुत सारे ऑप्शन हैं खुले है हमारे ऑप्शन हम देखेंगे हम क्या रास्ता है कुछ इस तरह की खबरें भी आ रही है कि रेडी के वो बातचीत करे हाँ ये खबरें आ रही है आपके पास ऐसा कोई रहा मेरे इर्द गिर्द लोगों से बहुत सारे ऐसे रबते हुए तो आप, से इस, नहीं। आप इन पे सीरियस थॉट्स आपकी हैं पीडीएम के प्लेटफॉर्म से भी और मेरी से भी। मेरी सीरिय, मैंने आपको अपनी थॉट बता दी है कि मैं किसी भी इदारे के खिलाफ नहीं हूँ मैं सिर्फ ये समझती हूँ कि अगर हमने आगे बढ़ना है तो इस हुत को और इस इमरान ख़ान को घर जाना होगा बिलावल ने कहा कि पीडीएम के, के प्लेटफॉर्म पे भी जो पार्टीज हैं वो बैकफुट पे जाएं और बातचीत से एक जमहूरी तरीके से, से मसाइल का हल निकालें ताकि मुल्क भी मजीद बहरान का शिकार ना हो आप अग्री करती हैं और आप तैयार हैं कि हम बैकफुट पे जाएं। बिलावल से मेरी कल मुलाकात हुई उन्होंने तो ऐसी कोई बात नहीं की उन्होंने हमारे इंटरव्यू में बोला कि बजाय इसके एकम पोजिशन ली जाए बातचीत की जाए देखिए बिलावल की अपनी जमात है उनकी एक अपनी सोच है उनकी अपनी मुस्लिम लीग नों की अपनी सोच है मुस्लिम लीग नों की अपनी एक्सपीरियंसेस हैं जो कि मियाँ साहब तीन दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं और इस दफ़ा उनको जो मुश्किल पेश आईं जिस तरह उनके साथ सलूक किया गया वो पूरी कौम के सामने है तो मियाँ साहब ने तो हकीकत बयान की है मियाँ साहब ने कोई आ, अलिफ लैला की कहानी नहीं सुनाई और मियाँ साहब ने बात बाद में की है तीन साल में सबूत खुद आवाम के सामने आए हैं जिसमें शौकत अजीज़ सदीक़ी साहब का एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था जो कि बहुत हैरान हैरानकुन भी था उन्होंने जज होते हुए एक सिटिंग जज ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के पूरी दुनिया को बताया कि किस तरह उनको ये कहा गया कि नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ को बेल नहीं देनी इसी तरह जज अरशद मलिक के रेवोल्यूशन आपके सामने इसी तरह डॉन लीगस की हकीकत आपके सामने कि जब आप एक चीफ को एक्सटेंशन नहीं देते तो वो डॉन लीक्स जैसी एक जाली और बिल्कुल झूठ पे मबनी एक चीज खड़ी कर देते हैं। लेकिन दूसरी चीज़राइज आप तो बिल्कुल आपकी बात ठीक है इस पर मैं कोई कॉमेंट इसलिए नहीं करना चाहती कि ये हुआ है ये बिल्कुल हुआ है मैं इसको इंडोस करूं या ना करूं अब वो बात पीछे रह गई इसकी हकीकत भी इन दिन आवाम के सामने आएगी तो इमरान खान ना हो तो मरियम नवाज फौज के साथ भी बात करने को तैयार है फौज मेरा इदारा है लेकिन मैं बात ज़रूर हम करेंगे लेकिन आइन के दायरा कार में रह के हुँ. और वो अगर कोई अपनी क्रीज से बाहर निकलने की के खेलने की कोशिश करेगा और वो आइनी डोमेन जो आइन ने वज़ा कर दिए जो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में इंश्राइंड है और आ, वो और वो बात आवाम के सामने होगी छुप छुपा के कोई बात नहीं होगी किसी से नहीं होगी कुछ नेशनल पॉलिटिक्स की जाने बातें मरियम ये बताएं आप लोग लोग ये भी कहते हैं कि आप एक आपकी जो सियासत है वो एक बंद गली की तरफ जा रही है आपको ऐसा लगता है आपने देखा है अवाम का रिस्पांस? मेरा ख़्याल है बंद गली की तरफ वो लोग जा रहे हैं जिनकी जिन्होंने एक आर्टिफिशियल चीज़ क्रिएट करने की ज़रूरत महसूस हुई जिनको हमारा बयानिया तो चाहे वह गुजरामवाला हो कराची हो कोटा हो गिलगित बल्तिस्तान हो हर जगह एक ही बयानिया गूंज रहा है और है वोट को इज्जत दो और वो है कि इस मुल्क को कौन चलाएगा और वो ये है कि स्टेट के ऊपर एक स्टेट मत बनाओ और वो क्योंकि वो सिर्फ़ एक बयानिया नहीं है उसका अमनी मुजाहरा उसका सबूत आवाम ने खुद देख लिया है जगह जगह तो अब ये बंद गली नहीं है अब यही रास्ता है ये किसी बंद गली की तरफ नहीं जा रहा बल्कि ये आइन और कानून और उसके सुप्रेमसी की तरफ ये रास्ता जा रहा है और यही रास्ता है आपके नाकदीन ये भी कहते हैं कि आपकी जो जलसों में आपकी तकारीर होती हैं उसमें आपका फ़ोकस आप बात करती हैं मसाइल पर भी लेकिन आपका ज़्यादा फ़ोकस जो होता है वो आपकी अपनी ज़ात या आपके वाल की ज़ात या इमरान खान की इमरान खान पर तनकीद पर ज़्यादा फोकस होता है आप इस तसर को इस तासर के बारे में आप क्या कहती हैं देखिए जब मैं कहीं जाऊँगी और मुझे हर जगह नवाज़ शरीफ की सपोर्ट नज़र आएगी उसके किए हुए काम नज़र आएंगे और उन्हीं का बयानियाँ सुनने लोग आए हुए हैं उन्हीं के बयानियों को पाकिस्तान रिस्पॉन्ड कर रहा है तो वो बात तो मुझे करनी पड़ेगी क्योंकि नवाज़ शरीफ उस बात को रिप्रजेंट कर रहा है जो पाकिस्तान के आवाम सुनना चाहते हैं तो अगर मैं उनको वो बात नहीं सुनाऊँगी जो वो सुनने आए हैं जो वो सुनना चाहते हैं जो पाकिस्तान सुनना चाहता है तो मैं और क्या बात करूं? और इमरान ख़ान की अनफॉर्चुनेटली मुझे बात इसलिए करनी पड़ती है मैं उनका नाम भी नहीं लेना चाहती मेरे नज़दीक एज़ इंसान वो बहुत इरेलीवेंट इंसान है लेकिन वो हर उस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं जो इस मुल्क में नहीं होनी चाहिए तो hmm. जब हम ये कहते हैं कि आज आटा महंगा है चीनी महंगी है बिजली महंगी है गैस महंगी है आज पाकिस्तान में हर जगह जो है वो आ, लोग आ, बदहाल हैं बुरे हाल में हैं बद दुआ दे रहे हैं तो और किस नाम लूँ अगर इमरान ख़ान का नाम खान का ना लूँ